नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज विश्व रंगमंच दिवस है और आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के व्हाइट फ्रेम थिएटर के पूरे कलाकार और उनकी पूरी टीम। आज उनसे हम जानेंगे उनके थिएटर के बारे में कि उनका थिएटर किस तरह से कार्य करता है और उसमें क्या क्या होता है, और आज विश्व रंगमंच दिवस है तो उसमें क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज राठौर है और व्हाइट फ्रेम थिएटर का मैं अध्यक्ष हूँ एक तरह से। तो सबसे पहले तो विश्व रंगमंच दिवस की सभी रंगकर्मियों को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सिर्फ रंगकर्मियों को ही नहीं, हर आदमी को, हर व्यक्ति को रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि शब्द है रंगमंच, जीवन के जो विविध रंग हैं उनको जो मंच पर उतारने का काम है वो रंगमंच में होता है। और थिएटर शब्द जो है इंग्लिश का, थिएटर का मतलब वैसे तो होता है ऑडिटोरियम, जो सिनेमा हम देखते हैं वो भी थिएटर ही होता है, लेकिन क्योंकि नाटक मंच पर किया जाता है तो नाटक की जो प्रक्रिया है, थिएटर का जो ग्रुप है, उसको भी हम थिएटर कह देते हैं। और 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड थिएटर डे मनाने की, और तब से लेकर अब तक जितने भी जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, ड्रामा के इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं, जितने भी छोटे गांव देहात से लेकर अमेरिका इंग्लैंड तक जितने भी रंगकर्मी हैं, जिन्हें भी इसकी जानकारी है, वो सब आज का दिन बहुत खुशी से, बहुत उल्लास से मनाते हैं और रंगकर्म को याद करते हैं, रंगमंच को याद करते हैं। जैसा कि दर्शकों, आप लोग हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हो, हमने आपको व्हाइट फ्रेम थिएटर के जो कार्यक्रम है अक्सर हम आपको दिखाते हुए आए हैं। व्हाइट फ्रेम थिएटर मथुरा का जाना माना थिएटर है जिसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम मथुरा से लेकर मुंबई तक और जगह जगह लखनऊ तक होते रहते हैं। तो मैं सर आपसे आपकी पूरी टीम का परिचय चाहूँगा। जी, मैं इधर से शुरू करता हूँ। मेरे साथ हैं प्रमोद लवानिया जी, हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष भी हैं ये। आप मानवी राठौर हैं, हमारी संस्था की सचिव हैं। आप अथर्व राठौर हैं, हमारी संस्था के सबसे छोटे कलाकार हैं। आप यशस्वी राठौर हैं, ये आप अखिल सेन हैं, लोकेश गोस्वामी उधर, रजत अस्थाना जी। उसके बाद हम सीधा इधर आते हैं, हमारे पुराने दोस्त राजवीर सिंह, प्रशांत भारद्वाज, अनूप जाना सर और अपना हिमांशु और मोहित कुशवाहा, आप सुनील जोशी और सबसे आखिर में दीपक जादौन। ये सभी हमारे कुछ पुराने साथी हैं और कुछ हमारे नए साथी हैं, तो ये श्रृंखला निरंतर बनी हुई है। पुराने लोग भी साथ में हैं और नए लोग भी जुड़ रहे हैं। सुनील तो अभी मैं बंबई से लौटा हूँ तभी मुझे दिखाई पड़े हैं। अच्छा जी, तो अभी आपके कार्यक्रम हुए थे मुंबई में, हुए थे मथुरा में, हुए थे, आप बता रहे थे कि लखनऊ में भी आपके कोई कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, अभी जो हमारा प्ले है डेमोक्रेसी, जो आपने देखा, उसके 3 शो हम कर चुके हैं। एक हमने बंबई में किया है, 2 हमने मथुरा अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में किए हैं। इसके बाद जो हमारी प्लानिंग है लखनऊ में, ग्वालियर में और दिल्ली में, और मतलब करीब 5-6 शोज अभी हमारे प्लान हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर सर जी। और इसके अलावा बाकी नई प्रक्रिया, अब तो नए बच्चे भी हमारे डायरेक्शन में आ रहे हैं, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। दीपक अभी शुरू कर रहे हैं बल्लभपुर ग्रुप का था, फिर प्रमोद जी शुरू करेंगे हमारे मंगल पांडे, और फिर ये श्रृंखला पुराने जो हमारे 5-6 साल पुराने जो मेरे साथी हैं उन सब के डायरेक्शन में भी एक एक प्ले चलता रहेगा और एक प्ले मेरे डायरेक्शन में चलता रहेगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ व्हाइट फ्रेम थिएटर के और भी कलाकार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आखिर आजकल देखने को मिलता है, पहले ये नाटक जो हैं बिल्कुल लुप्त हो गए थे, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि युवाएं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि हमारे मथुरा में पिछले काफ़ी समय से मतलब नाटक एक तरीके से बंद थे। हम बोल सकते हैं सन 2000 से नाटक एक प्रॉपर वे में नहीं हो रहे थे जी। लेकिन 2017 से जब से हमने अपनी संस्था से जुड़े व्हाइट फ्रेम थिएटर से, तब से लगातार चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है, मथुरा के जो युवा हैं तो वो भी जुड़ रहे हैं हम लोगों से। तो हमारी जो संस्था है लगातार काम कर रही है, और इसके ही विपरीत जो और भी जो संस्थाएं धीरे धीरे वो भी काम कर रहे हैं, उन्हें भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी कारण है कि अब हम लगातार जब काम कर रहे हैं तो सारे युवा जो हैं हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे बहुत से युवा होते हैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते कि क्या पुरानी चीज़ें हैं, मानते हैं कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, लुप्त हो चुकी हैं ये चीज़ें, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, थिएटर पुरानी ही तो नहीं है, क्योंकि नए लड़के जुड़ रहे हैं, पुराने लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो थिएटर तो आगे चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ थिएटर से सबको जुड़ना भी चाहिए। थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि ये
एक दूसरे से जो है कनेक्ट करता है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी आएँ और थिएटर से जुड़ें, बस मेरी यही सुनी। बीच में एक बार ये एकदम देखने को नहीं मिल रहा था कहीं भी, ये थिएटर हैं जो नाटक हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, बहुत कम लेवल पे हो गए थे अपने ब्रज में, लेकिन अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अब आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत से बच्चे अपने रील्स वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ा एक्टिंग के प्रति उनका जागरूक बढ़ रहा है, तो उस देख रहे हैं कि हाँ मथुरा में कौन, जैसे हमारे कुछ लड़के हैं जो उन्होंने देखा कि वाइट फ्रेम थिएटर जो है काम कर रहा है, तो वो आए हमारे पास कि सर हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं और इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बीच में बंद हो गया था कि बीच में अब हो सकता है कि उनके क्या विचार रहे हों, परंतु नए जनरेशन के जो बच्चे आए हैं वो कर रहे हैं काम। किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं नए जनरेशन के बच्चे हैं? आप भी नए जनरेशन में ही हो, किस तरह की तैयारी, कैसी मेहनत, कैसी लगन देखने को मिल रही है, कैसा इंटरेस्ट है बच्चों में इस समय? बिल्कुल, जो हमारे पास जो नए युवा आ रहे हैं, मैं भी युवा ही आया था, युवा ही हूँ अभी, लेकिन जो लोग आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट हमें उनमें दिखाई देता है, और वो लोग ये कहते थे कि मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से देखना चाहते थे, यहाँ रंगमंच होता नहीं है, मतलब वो खोज रहे थे उस चीज़ को, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रही थी वो चीज़। तो अभी थोड़ा हमने ये चाहा कि जैसे मथुरा में हम प्ले कर रहे थे, तो हमने सोचा कि मुंबई करके आएँ, बाहर लेके जाएँ तो लोगों को पता चले, तो जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है तो वो जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा, काफ़ी टैलेंटेड लोग भी हैं, और वो आगे जाकर की चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे, और यही हमारी संस्था का उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जो पीढ़ी है, नए युवा हैं, वो सब जुड़ें और चीज़ों को आगे ले जाएँ, चीज़ों को समझें और मथुरा का नाम रोशन करें, जैसे कि अभी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी वाइट फ्रेम थिएटर के कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे वाइट फ्रेम थिएटर के जो कलाकार हैं उनसे हमने बात की है, पूरे साथी से, पूरी टीम का हमने परिचय कराया। मानवी राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कि क्या मानना रहता है और कितना वो इसमें हिस्सा लेती है। इससे हमारे साथ मौजूद हैं मानवी राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रणाम सर। आज क्या दिवस है उसके बारे में आप बताएं सभी को, क्या महत्व है आज के दिवस का? देखिए, हर दिन का एक अपना महत्व होता है, इसी तरीके से विश्व रंग मंच दिवस का भी अपना एक महत्व होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर हमारे देश में अगर कहते नहीं वैलेंटाइन डे होता तो आज जगह जगह आपको पार्कों में सब बच्चे आपको नज़र आते, लेकिन खेद का विषय है कि युवाओं में इस चीज़ के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है कि आज विश्व रंग मंच दिवस है। और हम जिस सनातन धर्म से जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस कल्चर से जुड़े हैं, तो हमारा तो कल्चर ही है नटराज, यानी हमारे यहाँ तो बच्चे बच्चे में भी एक कला है, कृष्ण की नगरी से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चे के अंदर एक कलाकार छुपा है। आपने बताया जैसे वैलेंटाइन डे पे बच्चे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, इस दिन तो कोई देखने को ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, तो आप लोगों ने ये शुरुआत की है, तो क्या लग रहा है आपको आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा ये? अरे, किसी चीज़ की शुरुआत करना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य माना जाता है, लेकिन कहते हैं आप शुरुआत करिए, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और दूसरी बात एक कहना चाहती हूँ कि आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि हर बुनियाद हिलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज हम इतनी छोटी सी टीम के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि शायद आप अगली बार जब हमसे मिलेंगे तो ये टीम आपको कई गुना बढ़ी हुई नज़र आएगी। जैसा कि इन चीज़ों में मैंने अभी पूछा था सब लोगों से, बहुत कम युवा इंटरेस्ट रखते थे पहले, अब वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्या इसमें कुछ लड़कियाँ महिलाएँ भी इंटरेस्ट ले रही हैं? बिल्कुल, अभी हम मुंबई टीम लेके गए थे तो हमारी उस टीम में करीबन हमारे 5 गर्ल्स ऐसी गई थी मथुरा में, मथुरा की 5 गर्ल्स गई थी मुंबई हमारे साथ शो करने में, तो वहाँ का जो क्या कहते हैं नाट्य किरण मंच था, वो लोग देख के हैरान हो गए कि जब मैं मथुरा में वर्कशॉप लेने आया था तो मथुरा का कोई भी एक भी लड़की हमारी वर्कशॉप ने पार्टिसिपेट नहीं की है, और आज तुम्हारे साथ इतनी बच्चियाँ आई हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आशा करती हूँ कि आगे भी युवाओं में ये जारी रहे कंटिन्यूटी। तो दर्शकों, ये हमारी एक बहुत पुरानी प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, हालांकि बहुत दिन से ये स्लो होती जा रही हैं, लुप्त सी होती जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने एक मुद्दा उठाया है इनको आगे बढ़ाने का, फिर से कुछ युवाएं हैं जो आगे आ रहे हैं और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसे आगे लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, अभी तक हमने आपको वाइट फ्रेम थिएटर की पूरी टीम से मिलाया, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की, और अभी हमारे साथ युवा जो मौजूद हैं, जो नए युवा इसमें जुड़े हैं और वो किस तरह का एक्सपीरियंस इसमें ले रहे हैं, ये शुभ नाम बताइए आप अपना। जी, मेरा नाम दीपक जाधवन है।
दीपक जादौन जी, तो आपको कैसा लगता है नाटक एकदम करके, इसमें कैसा, बताइए उसके बारे में, कैसा फील होता है नाटक करके? नाटक करके, नाटक करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जी। एक्चुअली जब हम नाटक करने आते हैं ना, तो दो घंटे जब हम स्टेज पर होते हैं, तो वो जो एरिया है ना, वो ऐसा लगता है कि हम यहाँ के राजा हैं जी, और हम अब कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब हम खेलते हैं वहाँ पर, हम जीते हैं वहाँ पर खुद को, और एक ऐसे करेक्टर को जो जिसको हम उस नाटक में जीने की कोशिश करते हैं, उसे जीते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा लगता है कि हम खुद से भी बाहर निकल कर किसी और को भी जी रहे हैं, किसी और को समझ रहे हैं, इस समाज को समझ रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस तो मतलब अलग ही है, बहुत बेटर होता है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। और जैसा कि सब लोग कहते हैं कि फिल्म है, लेकिन फिल्म अलग है। फिल्म का क्या है, रिस्पॉन्स आपको काफ़ी टाइम बाद मिलता है लोगों का। आप शॉर्ट देते हैं, कभी भी कट हो जाएगा बीच में से, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आप थिएटर करते हैं तो दो घंटे आप परफॉर्मेंस देते हैं पूरा, कोई कट नहीं है, आपको पूरा खेलना है, तो वो दो घंटे ब्रेक नहीं आता, पूरा जीते हैं उसे। तो जो उसके जो इम्पल्स यहाँ से निकलते हैं ना, वो अलग ही है, वो बहुत अल्टीमेट वाली फीलिंग है, मतलब शब्दों में कहना आसान नहीं होगा। वो या तो दर्शक हमसे जुड़े हैं, देखें हमें, या फिर जो करने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि युवा हमारे साथी जो नाटकों में जुड़ रहे हैं, वो किस तरह का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कैसा फील ले रहे हैं, उन्होंने आपको बताया। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद लवानिया है जी। प्रमोद जी, आप बताएं कुछ युवाओं के बारे में कि हमारे और युवा साथी इससे जुड़ें, प्रेरित हों, प्रेरित हों इससे। हाँ बिल्कुल, अब देखिए जैसा कि वाइट फ्रेम थिएटर करीब 5 वर्ष से काम कर रहा है मथुरा शहर में, और बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, और जिसके डायरेक्टर हैं मनोज राठौर, यानी कि हमारे गुरुदेव, और उनके संरक्षण में हम करीब पिछले 5 साल से हैं, और हम कुछ लोग हैं उनके 5 साल से, जैसे मैं हूँ, दीपक है, राजवीर है, बाकी सब लोग अभी हाल ही में जुड़े हैं, और हम लोगों को बहुत अच्छा इसका प्रभाव मिल रहा है मथुरा शहर में, खास तौर पर तब जब हम मुंबई से प्ले करके आए हैं, और सब लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम मथुरा के अंदर, अमूमन और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ मुझे, अगर मेरी अपनी बात करी जाए, तो मैं पिछले 5 साल से असल में देखा जाए तो थिएटर को जीता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्ले यानी नाटक जो है आपको जीने की राह देता है, और ये मैं सबको हिदायत यानी वो दूंगा सब लोगों को कि नए युवा जो हैं थिएटर यानी प्ले से जुड़े, नाटक से जुड़े, और उनको समझ में आएगा कि वाकई में ज़िंदगी होती क्या है। तो यानी नाटक जो है आपको ज़िंदगी जीने की राह देता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। तो अभी इन्होंने बताया, और हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करें। तो और भी लगातार साथी जुड़े हैं जी, क्या शुभ नाम है आपका? हर्षित कश्यप। हर्षित जी, आप बताएं कि आप जैसे कोई भी नाटक करते हो तो उसकी रिहर्सल तैयारी कितने दिन तक करते हो, और कितना समय उसमें लगता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं इसमें? कठिनाइयाँ तो हर बार होती हैं, मतलब हर दिन है, एक नई चुनौती होती है हर बार जब भी हम रिहर्सल करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक चैलेंज रहता ही है, भले ही वो नाटक करने के लिए हो या अपना एक इंडिविजुअल अपना खुद का कैरेक्टर करने के लिए हो। और रही बात रिहर्सल के टाइमिंग की, तो महीना दो महीना लग जाता है। महीने दो महीने एक नाटक के रिहर्सल में? एक नाटक के रिहर्सल में। तो महीने दो महीने में एक नाटक का रिहर्सल आप करते हो, तो कितने टाइम का होता है वो? ये मतलब हर प्ले का एक अलग टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, कोई एक घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है। तो वैसे अमूमन हम लोग भी, और जो यूजुअली प्लेज होते हैं, वो 1.5 घंटे के या 1 घंटे के होते हैं ज़्यादातर। हाँ जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? प्रशांत भारद्वाज। प्रशांत भारद्वाज, बड़े जोश से बोल रहे हो, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस नाटक को लेकर के? डेमोक्रेसी जो अभी हमने नाटक किया था जिसमें कि मुख्य किरदार मैंने ही निभाया था, तो सबसे पहले तो सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर ने मुझे इस काबिल समझा के मुख्य किरदार निभा सकूँ इस नाटक में। और ये जो नाटक था कि एक तो बहुत चीज़ों को जानने की समझने की एक शक्ति देता है जो रंगमंच है, बहुत चीज़ों को समझने की शक्ति देता है। और बाकी ये है कि हम लोग कर ही रहे हैं नाटक और आगे भी करते रहेंगे, और एक्सपीरियंस तो यही है कि ज़िंदगी जीने का एक जो तरीका जो सिखाता है वो वाकई में रंगमंच सिखाता है, मुझे उसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म लगता नहीं। जैसे आप लोग, भैया ने बताया 2 से 3 महीने या 1 से 1.5 महीने आप इसकी तैयारियां करते हो रेगुलर जी, क्या उसमें आपको मिस्टेक लगती हैं कि जैसे आप नाटक कर रहे हो उसमें कोई चीज़ लाइनिंग भूलते हैं, तो क्या आपको ऐसा डर लगता है कि? हाँ, कभी कभी लगता है, शुरुआत में तो सभी लोगों को डर ही लगता है, जब भी 1 से 2 महीने का जो प्रोडक्शन होता है नाटक का, तो
दिन पर दिन वैसे बेहतर होते जाता है, अपना जो किरदार होता है वो हर दिन निखरता ही जाता है, पर शुरुआत में हर किसी को नए कलाकार हो चाहे पुराना कलाकार हो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा बेहतर रहता ही है शुरुआती दौर में, बाकी धीरे धीरे प्रयास जब करते रहते तो एक मुकाम तक वो जब पहुंच जाता है अपने किरदार को लेकर तो तब खेलता ही है। तो बहुत अच्छा लगता है सबको? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और शायद इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहता। तो दर्शकों, युवाओं में बहुत अच्छा फील है इस नाटक को लेकर के, और नाटक वो आगे भी करते रहना चाहते हैं, रंगमंच में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं।